अच्छा खेला ये शॉट, अच्छे नियंत्रण में रखा था जब ये शॉट खेलने की कोशिश की केएल राहुल ने। और ये एक मूल कारण है, एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया है, साउथ अफ्रीका में शतक बनाया है। बाउंस के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं और जब तक नए हैं क्रीज पे समझदारी यही होगी कि ऑफ्सम के बाहर उनको गेंद रखे, क्योंकि ये शॉट पिछली बार शायद ठीक तरह से खेल नहीं पाया, लेकिन रोहित शर्मा हवा में मारते ये बिल्कुल नीचे खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट है। ये जलवे देखिए केएल राहुल के, इस शॉट को देखिए, सहारिए और इसका लुत्फ उठाइए। भारत थोड़ा सा खुश होगा नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी देखकर, जरूर दो विकेट उन्होंने लिए हैं लेकिन बहुत ज्यादा आसान रन्स भी भारत को दिए। रन्स मिलेंगे, केएल राहुल पूरी तरीके से कंट्रोल में, मार्को एंसन वो एंगल हल्के हाथों से खेल के, चार रन केएल राहुल और भारत के लिए। यहाँ पे केएल राहुल, ये अच्छा शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, लंबा पैर निकाला, अच्छी हेड पोजीशन, गेंद को आने दिया, हल्का सा बल्ले का मुंह खोला जो अक्सर खतरनाक हो सकता है इन उछाल भरी पिच पे, लेकिन यहाँ पे चार। यहाँ पे पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर था लेकिन उन्होंने शायद पिक नहीं किया गेंद को, केएल राहुल ने लेंथ को बहुत अच्छे से पिक किया और जड़ दिया इस ओवर के दूसरे चौके के लिए। शॉट देखिए जरा, थोड़ी सी आजादी दे दी थी आपने और उस आजादी का किस तरह से फायदा उठाया केएल राहुल ने। मैं तो बहुत ही इंप्रेस हूँ जिस तरह से बल्लेबाजी भारत ने की है, 6 विकेट जरूर गए हैं लेकिन 160 रन, उसपे ज्यादा आप नजर रखें विकेट पे कम, और ये बहुत ही सूझबूझ वाला शॉट। और ये खासियत केएल राहुल की है, जब निचले क्रम पे खेलते हैं तो इनके पास इस तरह के बड़े शॉट्स भी, जो आपको कभी कभी लगाना पड़ता है, ऐसा वक्त आएगा कि टेल एंडर के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, जल्दी रन बनाने होंगे, स्ट्राइक को फार्म करना होगा। और उसी के बीच में शॉट राउंड द विकेट, थोड़ी ऊपर की तरफ गेंद, केएल राहुल पारी को चलाते हुए अपने छोर से, पर ये अंदाज अपनाना होगा और यही चैलेंज था केएल राहुल के लिए, क्योंकि नंबर 6 पे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो टेल के साथ किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, इस तरह से बीच में जब मौका मिलेगा तो वो बड़े शॉट, वो हाथ खोलना वो जरूर अपनाएंगे। यहाँ पे ऑन दी अप, बहुत खूबसूरत यह शॉट 4 रन के लिए, या अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने की कोशिश ही नहीं थी और एक बाउंस के बाद ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार। और कॉम्बिनेशन के साथ केएल राहुल ने शॉट को खेला है, स्क्वायर ड्राइव चौका आखिरी गेंद पे, 174 पे 7। जैसे हम बार बार कह रहे विवेक और संजय, केएल राहुल इस साल एक अलग सोच के साथ आए हैं और ये चौका, बाउंड्री मिली है लेकिन कहना पड़ेगा ये 4 रन जैसे गोल डस्ट हम कहते हैं इंग्लिश में, उस तरह है इस सिचुएशन में। और बल्ले के बीचों बीच से आई नहीं है, अंदरूनी किनारा लगा, खेलना चाहते ऑफ साइड की तरफ मगर वो एंगल के कारण गेंद अंदर की तरफ आई, अंदरूनी किनारा। जोर से शॉट मारा है, विड्थ मिले तो बल्ला घुमाएं तो जोर से घुमाएं, हवा में ये छक्का हो गया है, तो 4 रन उसके पहले और उसके बाद ये छक्का, 10 रन इस ओवर से, लाजवाब बल्लेबाजी केएल राहुल की, और 50 रन भी पूरे उसके साथ। एक बार फिर से जब मौका मिला है केएल राहुल ने कोई संकोच नहीं किया है गेंद को हवा में खेलने के लिए, अक्सर अलोंग द ग्राउंड ड्राइव्स की बात होती है लेकिन आज कुछ हवा में कुछ लॉफ्टी ड्राइव्स भी उतनी खूबसूरत केएल राहुल के बैट से। एग्रेशन एकदम सही वक्त पे, लेंथ आगे, लाइन एकदम बाहर, सीधा बल्ला और खूबसूरत केएल राहुल की टाइमिंग। केएल राहुल का आज वो अंदाज, खेलने का अंदाज कमाल का रहा है, कंट्रोल परसेंटेज सबसे बेहतर रहा है और वो वक्त, अतिरिक्त वक्त जब वो ऑन दी अप शॉट खेलते वो नजर आया है।
यहाँ पे बाल बाल बचे, गली के बगल में से ये चार रन। बहुत ज्यादा दूर थी नहीं वो गेंद। मार्को यानसन कुछ हद तक सोचेंगे ये केएल राहुल की प्राइस विकेट उनके हाथ में आती, लेकिन वैसा नहीं। अच्छा दिन चलाए केएल राहुल का अब तक। और यहाँ पे ये जो लाइन बाहर थी, लेकिन जो लेंथ थी उसकी वजह से वो खींचे चले गए, लेंथ थोड़ी आगे थी और बल्ला सिर्फ फेंका और वो गली से थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं। चार रन केएल राहुल और मोहम्मद सिराज की जोड़ी कितने और रन जोड़ पाएगी, यही है सबसे बड़ा सवाल आज सुबह इस पहले सत्र में। बातचीत करती रहनी होगी और यही उम्मीद हम रखेंगे कि केएल राहुल अपने शतक तक पहुंचे और यहां से 40-50 रन और जोड़ने में कामयाब हो। और इस जोड़ी पे नजर रहेगी सभी भारतीयों की, मोहम्मद सिराज कितना साथ निभा पाएंगे केएल राहुल का। बढ़िया शॉट, केएल राहुल ने वही शॉट खेला तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। बहुत ही बढ़िया शॉट है ये, बहुत ही बढ़िया शॉट। केएल राहुल ये जब तक टिके हुए हैं, ये स्कोर बोर्ड इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहेगा। और दोबारा से एक और बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, देखिए फ्रंट फुट पे कमिटेड थे नहीं, इस वजह से वो स्लिप कॉर्डन के ऊपर से खेलने में उनको आसानी हुई। और अगर वो चाहते तो पॉइंट के दिशा में भी मार सकते थे उस गेंद को, मगर क्योंकि पॉइंट पे एक फील्डर खड़ा है डीप पॉइंट के ऊपर। यहाँ बेहतरीन शॉट, फ्रंट फुट पे थे, आगे डाली थी स्टंप लाइन में गेंद और एक और बार जोर से मारने का प्रयास नहीं, बल्ले का पूरा चेहरा दिखा उस शॉट खेलते वक्त। केएल राहुल कितने खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखिए एक और बार फ्रंट फुट का ज़्यादा मूवमेंट नहीं, गेंद को आने दिया अपनी तरफ और फिर पूरे फेस ऑफ द बैट से मिड ऑफ के एरिया में वहाँ पर चौका अर्जित किया। लाजवाब ये तकनीक। ये चार मिलेंगे, हालांकि पैर से लग के गई होगी ये गेंद, मगर फिर भी चार बहुमूल्य रन है ये टीम के लिए। फलती है, ये लीजिए, ये देखिए, ये कहां भेज दी इस गेंद को, और कैच भी क्या बढ़िया लपका गया है भाई, वाह मजा आ गया देख के। 95 पे पहुंच गए केएल राहुल। साउथ अफ्रीका भी कोशिश यही करेगी कि सारे फील्डर्स को अंदर लेके आए और एक रन ना दे। बड़ा शॉट ही खेलेंगे, बड़ा शॉट खेलना चाहिए। ये लीजिए, खेल दिया बड़ा शॉट और बना लिया एक बार फिर शतक। वो दरिया ही क्या जिसमें ना हो रवानी और ना आए खून में उबाल, किस काम की वो जवानी। क्या कमाल का शॉट और क्या कमाल की पारी खेल दिखाई है यहां केएल राहुल ने, एक यादगार पारी, याद करेगा सेंचुरियन इस पारी को। और लगातार दो बार सेंचुरी करते सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे के ऊपर दूसरा शतक इनके करियर में, और कठिन परिस्थितियों में ये खेल के दिखाया केएल राहुल ने। कठिन परिस्थितियां थी, विकेट्स गिर रहे थे, उम्मीद बनाई रखी पहले शार्दुल ठाकुर के साथ फिर मोहम्मद सिराज के साथ, और शॉट्स खेलते रहे और एक लाजवाब पारी को अंजाम दे दिया केएल राहुल ने। भारतीय क्रिकेट इतिहास में इनकी इस पारी को लंबे समय के लिए याद किया जाएगा।